ट्वेंटी वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान आर्क राइवल्स जो कि हमें एशिया कप में भिड़ते हुए नजर आए थे, वो वापस से हमें वर्ल्ड कप की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, जहां पर 23 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच में हमें मुकाबला देखने को मिलने वाला है। और ये मुकाबला ना सिर्फ दोनों ही टीमों के बीच में रहने वाला है, बल्कि दोनों ही टीमों में ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि अभी करेंटली हमें T20 वर्ल्ड रैंकिंग में भी टॉप पर नजर आ रहे हैं। दरअसल मोहम्मद रिजवान और उनके साथी सूर्य कुमार यादव के बीच में पिछले काफी टाइम से हमें T20 रैंकिंग में आंख मिचौली होते हुए देखने को मिल रही है, जहां पर कभी सूर्य कुमार यादव रिजवान के साथ टॉप पर जाते हैं तो कभी रिजवान नंबर वन पर आ जाते हैं। ऐसे में इस मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया में जाने से पहले ही मोहम्मद रिजवान ने अब सूर्य कुमार यादव को लेकर एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, जहां पर रिजवान ने सूर्य कुमार यादव की तारीफ करते हुए कहा है कि सूर्य कुमार यादव एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं। एशिया कप में हालांकि मैंने उनको ज्यादा बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखा, क्योंकि हमारे खिलाफ खेले गए मुकाबले में वो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके अलावा मैंने इनकी जितनी भी बल्लेबाजी देखी है, ये काफी यूनिक किस्म के बल्लेबाज हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोग उनको और उनके साथी बाबर आजम को काफी ज्यादा कंपेयर करते हैं सूर्य कुमार यादव के साथ, कि सूर्या का स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा है, वो काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं गेम पर, लेकिन उसके साथ ही अगर हम दूसरी तरफ बात करें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की, तो वो स्ट्राइक रेट को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किए जाते हैं। तो रिजवान के अकॉर्डिंग ये जो लोगों का कंपैरिजन है वो उनको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सूर्य कुमार यादव का रोल अलग है और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का पाकिस्तान की टीम के खिलाफ रोल काफी अलग है, और इनके अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा एक्साइटेड है सूर्या को खेलते हुए देखने के लिए। कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से मोहम्मद रिजवान या फिर सूर्य कुमार यादव में से कौन ज्यादा बेहतर बल्लेबाज है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।